हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी, खुशखबरी ये है कि आपका जो आरआरबी एलपी यानी कि सीबीटी 2 का जो हमारे दोस्त पेपर दिए हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उसका आंसर की कब आने वाला है। देखिए, आंसर की कब आएगा, 18 फरवरी, यानी कि जो हमारी आरआरबी है उसने ये डेट जारी कर दिया। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का जो आप लोगों ने पेपर दिया है उसका यानी कि आंसर की कब आएगा, 18 फरवरी को, यानी कि आने वाला 18 फरवरी। आपका आज 16 फरवरी है, आपका कह सकते हैं कि 16 फरवरी आज है, 16 कब है तो 18 का, आपको 18 फरवरी को आपका आंसर किया जाए। आंसर की कब आएगा, 18 फरवरी को कब आएगा, 18 फरवरी को आपको 12 बजे यानी कि दोपहर को कह सकते हैं कि दोपहर को 12 बजे, ठीक है, 12 बजे कह सकते हैं, दोपहर को 12 बजे आपका आंसर की आपका आ जाएगा। देखिए, कई दोस्तों ने कमेंट में लिखा था कि सर अभी आंसर की नहीं आ रहा, आपने कहा था कि 11 तारीख को आपने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि 12 को आ जाएगा, 12 का आ जाएगा, पर जो आप कह सकते हैं कि देखिए हुआ ये है कि मतलब आपने कहा था कि सर आपने 11 तारीख को कहा था कि वीडियो में कि सर आंसर किया जाएगा 12 तारीख को। हुआ ये है कि जो सरकार कह सकते हैं कि आरआरबी है उसके इतना काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इसी के बीच में आपको ग्रुप डी और एएलपी का दोनों का आंसर, उसको मतलब इस तरह से ग्रुप डी का आपको क्या आने वाला है, ग्रुप डी का आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रुप डी का क्या आने वाला है, ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि सबसे अधिक लोग किसमें, ग्रुप डी में पेपर दिए हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा काम उसके लिए बढ़ गया आरआरबी के लिए। तो इसीलिए आंसर की जो आ रहा है यानी कि एएलपी का जो आंसर की है इसमें देरी हो रहा है, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए, अपलोड हो चुका था, यानी कि आपको कह सकते हैं कि 11 को ही अपलोड हो चुका था एएलपी का, लेकिन कुछ इतने दिक्कतें आई या कह सकते हैं कि इतना सर्वर बैठ गया, इसलिए जो आरआरबी उसने अपने जो आंसर की अपलोड किया था उसको वापस लेना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी कारण यही थी। और आपका अब देर नहीं होगा, अब आपका यानी कि फरवरी 18 को, 18 फरवरी को आपका आंसर की आ जाएगा। ये अभी अभी तुरंत अभी न्यूज आई है, यानी कि अभी आरआरबी ने अपने साइट पे ये कहा है कि जो हमारे स्टूडेंट कह सकते हैं उनको ये सूचित किया जाता है कि जो 18 फरवरी है उनको 12 बजे आपको आंसर की। और देखिए होगा क्या, आंसर की अगर आएगा तो देखिए आपको कितना दिन मिलेगा कि उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए। देखिए बता रहे सारा चीज, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, 18 फरवरी को आपका क्या आएगा, आंसर की आएगा, ठीक है, यानी कि एएलपी की बात किया जा रहा है, आंसर की आएगा। उसके बाद आप 19 फरवरी से यानी 19 फरवरी और 20 फरवरी की रात कब होगा, देखिए 20 फरवरी की 11 बज के कह सकते हैं 59 मिनट पे, रात को 11 बज के 59 मिनट तक आप अपने क्वेश्चन का जो भी आपको डाउट होगा कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है या इसका गलत है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन कह सकते हैं, यानी कि उस पर आप मार्क कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, या कह सकते हैं आपने अपने साइड के लिए भाई क्वेश्चन में मैथ में कोई गलत होगा, कोई रीजनिंग में कहीं पे, कोई जीके में गलत होगा, जो भी गलत होगा वो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कब करेंगे, देखिए ऑब्जेक्शन वाला डेट याद होना चाहिए, ऑब्जेक्शन कब करेंगे, 19 फरवरी से चालू होगा और 20 फरवरी की रात 11 बज के 59 तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद जो कह सकते हैं आरआरबी है यानी कि रेलवे जो हमारा बोर्ड है, यानी उस लिंक को क्या करेगा, हटा देगा, यानी कि वो उसके बाद वो काम करना यानी कि ओपन ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो आप उसी दिन यानी कि आप 18 को खुलेगा साइट, 19 से आप तुरंत इसके लिए ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। ये हुआ। और अगर मान लीजिए आप कुछ लोग होंगे कि कहेंगे सर कैसे हम देखेंगे अपना आंसर की, तो उसके लिए देखिए बता रहे हैं कैसे आंसर की देखना होगा, ध्यान से देखिए। देखिए आंसर की देखने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए समझिएगा, आंसर की देखने के लिए यानी कि अगर आप आंसर की अपना देखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होंगे उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं नॉलेज होगा या मतलब उनके पास नहीं होगा कुछ व्यवस्था, तो कैसे देखेंगे उनको, देखने के लिए ये होगा, सबसे पहले वो अपने आरआरबी यानी कि बोर्ड को चुनेंगे, यानी कि आरआरबी कह सकते हैं रीजनल, ठीक है, रीजन बोर्ड कह सकते हैं, रीजनल कह सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर से भरे हैं तो आप गोरखपुर वाले साइट पे जाएंगे, ठीक है, यानी कि WWRRBGKP यानी कि गोरखपुर गया। अगर कोई भोपाल से भरा है तो भोपाल के साइड पे जाएगा, मध्य प्रदेश से मतलब कि कैसे बिलासपुर से भरे हो या मतलब जहाँ से निकला था यानी कि पटना मुंबई इस तरह से जहाँ से आपने भरा है इलाहाबाद भरा है तो आप इलाहाबाद ही साइड पे ही जाएंगे, वहाँ से आप जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले स्टेप पे क्या होगा, देखिए स्टेप वाइज बता रहे हैं, एकदम स्टेप वाइज आप इसको ध्यान से समझिएगा, यही कर रहा है आपको यानी कि आंसर की देखना है और उसको डाउनलोड कैसे करना सारा चीज बता रहे हैं। देखिए करना होगा सबसे पहले आपको रीजनल साइट पे जाना होगा यानी कि गोरखपुर। देखिए हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका गोरखपुर से मतलब भरा है तो सबसे पहले गोरखपुर वाली साइट पे जाएगा यानी कि WWRRBGKP डालेगा, ठीक है, उसके बाद करेगा लॉगिन करेगा, गोरखपुर खुलेगा, उसके बाद क्या करेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है, उसके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ था फॉर्म भरते हुए वो नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद क्या डालना होगा उसको, यानी कि DOB, DOB का मतलब हो गया क्या, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अपना जन्मदिन, यानी कि कह सकते हैं जन्म तिथि कह सकते हैं, वो डालना होगा। जन्म तिथि सबका अलग अलग होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सबका अलग अलग होगा, समझ रहे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इसके बाद आपका एक कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड आपको पता है कि वो तुरंत आता रहता है, उसके वो डालना होगा। इसको डालने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे, जैसे ही इसको इंटर करेंगे बटन आप दबाएंगे, तैसे ही क्या आएगा आपका आंसर किया जाएगा, यानी कि आपका आंसर किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका आंसर की खुल जाएगा, उसके आंसर को क्या करना होगा, उस आंसर की को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप भूलिएगा मत, उस आंसर की को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप उसमें देखिएगा, जैसे हो सकता है कि साइट ना चले पूरे, ठीक है, पूरा दिन ना चले, तो क्या करेंगे आप उसको डाउनलोड करके उसको रख लीजिएगा PDF के फॉर्म में, और उसको एक बार आराम से उसको मिलाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। अगर आपको गलत लगता है, कोई भी क्वेश्चन गलत लगता, चाहे रीजनिंग मैथ या GK कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब कि आपका जो ट्रेड वाला सब्जेक्ट था उसमें कोई मिस्टेक हो, तो आप उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए, आपको बताया ना कि 19 और 20 यानी कि 19 से शुरू होगा और 20 तारीख के 11:59 यानी कि रात के कह सकते हैं 12 बजे से 1 मिनट पहले, तब तक आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए कट ऑफ कितनी जाएगा उसके लिए बात करते हैं कि यानी कि LP में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ। देखिए बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए जनरल वाले देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समझिएगा, जनरल के लिए जो जाएगा वो 65 से जाएगा आपका 75 तक ही जाएगा, समझिएगा, ठीक है। जो जनरल का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, 65 से 75। आप कहेंगे कि क्यों इतना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर हुआ वो टफ था, ठीक है, मैथ का जो सेशन था उसमें टफ था, और हर मतलब कह सकते हैं हर सेट में, यानी कि जो हर सेट हुआ, यानी कि आपका 21 को पेपर हुआ, 21 कह सकते हैं कि 21 जनवरी को पेपर हुआ, 22 जनवरी को हुआ है, 23 जनवरी को हुआ है, और जिन दोस्तों को यानी कि जिन कह सकते हैं दोस्तों को पेपर छूट गया था यानी किसी कारण से, चाहे कोई तबीयत खराब हो या न जानकारी हो या दूर हो, तो उनका 8 फरवरी को भी पेपर हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जनवरी में 21 22 23 जनवरी के जो पेपर हुए हैं हर सेट में, देखिए सवाल मिस्टेक था, सवाल में ये मिस्टेक था कि हिंदी में कुछ दूसरा दिया था, इंग्लिश में वैल्यू दूसरा दिया था इस तरह से। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि लो पे आएगा। तो ये जो जनरल वाले हैं वो भाई साहब कितने पे जाएंगे, 65 से लेकर 75 के बीच में। इसके बाद हमारे आते हैं OBC, ठीक है, OBC का देखिए आपका रहेगा 58 से लेकर 63 नंबर, ठीक है, यानी कि 58 से लेकर 63 नंबर के बीच आपके OBC जो हमारे कास्ट है, यानी कि इस ग्रुप के लोग हैं, दोस्त हैं, उनका इतना ही रहेगा। इसके बाद हम आते हैं SC, ठीक है, SC का जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 50 से लेकर 56 नंबर तक के बीच में, देखिए इसी के बीच में वैरी करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, हम बता दे रहे एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ठीक है। तो 50 से लेकर 56। इसके बाद ST की बात करते हैं, तो ST वाले कितना होंगे, 45 से लेकर 55 के बीच में ही होंगे। यानी आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरह से, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, फिर देख लीजिएगा जब आंसर किया आएगा आप दोबारा मिला लीजिएगा। देखिए हमने कहा कि जनरल 65 से 75 इसी के बीच में होंगे, और OBC 58 से 63, ST जो होंगे हमारे कह सकते हैं ST कट वाले वो 50 से 56, और ST जो होंगे कहाँ से होंगे, देखिए 45 से लेकर 55 के ही बीच में होंगे। और नॉर्मलाइज होता है तो वाले देखिए नॉर्मलाइज तो होगा, सबको पता है, क्योंकि नॉर्मलाइज देखिए तभी होता है जो रीजनिंग में हमारे कथन निष्कर्ष अवधारणाएं वाले जो सवाल आते हैं उसी को लेकर विवादित रहता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है कि किसी के हिसाब से आंसर दूसरा होगा, उनके हिसाब से दूसरा होगा, इसीलिए ये नॉर्मलाइज होते हैं। जब से आपका रीजनिंग सबसे अधिक पूछा जा रहा है यानी कि कथन निष्कर्ष, तब से नॉर्मलाइज का समस्या जो है सबसे अधिक बढ़े। तो अगर नॉर्मलाइज होगा तो आपको यानी नॉर्मलाइज होता तो उन्हीं को फायदा होता है जिनका पेपर अच्छा होता है, यानी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, यानी कि क्वेश्चन वो कम करते हैं पर उनका जो कह सकते हैं गलत होने की चांसेस कम होता है। यानी क्वेश्चन आप कम करिए पर गलत आपका कम होगा, तो आपको मतलब नॉर्मलाइज होने पे आपका फायदा आपको सबसे अधिक होगा। तो इसीलिए होता है कि पेपर में कंपटीशन के पेपर में हम क्वेश्चन कम करें लेकिन जो भी करें वो सटीक करें, तो नॉर्मलाइज होने पे उन्हीं को सबसे अधिक फायदा होगा। तो इसीलिए बता दे रहे हैं कि नॉर्मलाइज होगा तो आपको लगभग 10 से 12 नंबर का फायदा होगा। अगर पेपर में नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज होगा सबको पता है, अगर नॉर्मलाइज होता है तो आपका ये जो है 10 नंबर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि आपका जो LP का है यानी कि कह सकते हैं LP, ठीक है, LP CBT 2, ठीक है, इसका जो आंसर की कब आ रहा है बताइए एक बार और ध्यान दीजिएगा। आंसर की आपका 18 फरवरी को आ रहा है, ठीक है, 18 फरवरी को कब आ रहा है,
देखना मत भूलिएगा, 18 फरवरी को आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, और जैसे आएगा तैसे हम आपको तुरंत नोटिस कुछ ना कुछ आपको मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि किस तरह से कैसा था हमारा कटाव, कितना एक्सपेक्टेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप तुरंत बताएंगे, खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स से कि सर ने आपने इतना बताया था, इतना ही गया था हमारा, इतना था, और आप जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर, यानी कि जब आ जाएगा कह सकते हैं आंसर किया जाएगा, आप खुद बताइए कि हमारा सर इतना सही है, हमारा इतना गलत है, आपने इतना बताया था, इतना हमारा मैच कर, आप तुरंत बताइएगा, आप मिलाइएगा कि ये सर एक्सपेक्टेड पोजिशन यानी कि जो आपके केएलडी क्लासेस के माध्यम से जो दिया गया वो सही है या कितना गलत है, ठीक है, आप तुरंत बताइए, और जो भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन मिलेगा आप तुरंत उसको करिएगा, क्योंकि कोई भी हिचकिचना, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कह सकते हैं फाइनल पेपर है, इसके बाद आपका अगर इसमें निकलता है यानी कि जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर था अगर उसमें आपका निकलता है तो आपको तुरंत यानी कि कह सकते हैं सिलेक्शन होगा, इसके बाद आपका सिर्फ क्या बचेगा, आपका सिर्फ मेडिकल बचेगा, तो इसमें चांसेस लेने के कह सकते हैं कि चांस ले लीजिएगा, क्या चांस लेना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा यानी कि ऑब्जेक्शन लग रहा तो आप ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से ये ही आज का न्यूज़ था कि यानी कि आपको बताना था कि 18 फरवरी को आपको ये जो हमारा आरआरबी एलपी यानी सीबीटी 2 का पेपर जो हुआ 21, 22, 23 जनवरी को और 8 फरवरी को जो दोस्तों का छूटा था तो उसी के लिए ये है कि उसका आंसर की आने वाला और जल्द ही आपका कब आएगा तो 18 फरवरी को कब 12 बजे दोपहर को आएगा और आप ऑब्जेक्शन के लिए 19 और 20 फरवरी यानी कि फरवरी को आप ऑब्जेक्शन भर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज की न्यूज़, इसी तरह से न्यू अपडेट के लिए आप अपने चैनल केएलडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको तुरंत अपडेट करा दिया जाएगा क्योंकि आपको इस तरह से खोजने में बहुत परेशानी होगा। तो इसी तरह से आप अपने चैनल केएलडी क्लासेस बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केएलडी क्लासेस